कोपिंग स्किल्स, कोपिंग स्ट्रेटजीज। मैंने कई सारे वीडियो में ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम अलग अलग सिचुएशन में कोपिंग स्किल्स यूज करते हैं और हर किसी के स्किल्स अलग अलग होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोपिंग स्किल्स क्या होते हैं और किस सिचुएशन में किस तरह के कोपिंग स्किल्स यूज कर सकते हैं। आपने शायद अपने दोस्तों से कई बार ऐसा सुना होगा कि आज बहुत स्ट्रेसफुल डे था तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ में शायद गेम खेल लूं या फिर क्लब में जाके कोई ऐसे स्पोर्ट्स खेल लूं जिसमें मुझे रिलैक्स फील हो। कई सारे लोग उसी तरह से अनहेल्दी चीजें भी करते हैं कि आज स्ट्रेसफुल डे था तो चलिए आज जाके हम शराब पीते हैं या फिर बहुत ज्यादा वो स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद में हम जो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए, इसको कहा जाता है कोपिंग स्किल। कोपिंग स्किल हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। जैसे कि मैं अपने दूसरे वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि हर किसी का कोपिंग स्किल अपना अपना अलग अलग तरह का होता है और जरूरी नहीं है कि जो कोपिंग स्किल आपके लिए मदद कर रहा है वो मुझे भी मदद करे। पर कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए हम कोई भी हेल्दी कोपिंग स्किल नहीं निकाल पाते हैं और अनहेल्दी चीजों की तरफ चले जाते हैं। उसका होने का क्या कारण हो सकता है, हम क्यों वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने कोपिंग स्किल्स के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले, अगर इस चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। और अगर आप किसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे। पर अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे शायद मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाया है तो फील फ्री मुझे ईमेल करने के लिए या फिर नीचे कॉमेंट करने के लिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए और जानते हैं कोपिंग स्किल्स के बारे में। कोपिंग स्किल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड या फिर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, और एक होता है इमोशन बेस्ड या फिर इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ये दोनों ही एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उस नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग होते हैं उसमें हम सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन की वजह से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मतलब कि हम उस इवेंट को देखने की कोशिश करते हैं या उस इंसान को देखने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। वहीं पे हम इमोशन बेस्ड कोपिंग में ये देखते हैं कि वो सिचुएशन की वजह से हमारे इमोशंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम किस तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस सिचुएशन की वजह से या उस इवेंट की वजह से या फिर उस इंसान की वजह से जो हमें स्ट्रेस देता है। तो जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे तो इन दोनों चीजों को डायग्नोस करने की कोशिश कीजिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो किस वजह से हो रहा है। तो सिचुएशनल जो है वो एक एक्सटर्नल इशू है, तो वो अगर बाहर एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। वैसे ही अगर वो इमोशन बेस्ड है तो वो मतलब इंटरनलाइज्ड है, आपके अंदर से वो इमोशंस आ रहे हैं, तो उस इमोशंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन दोनों को समझने के लिए अच्छे से मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज या स्कूल में भी अगर आप हो तो वहाँ पे अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला है और बहुत बड़े एक ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो एक्साइटमेंट में शायद आप बहुत खुश होके उसके लिए हाँ तो बोल देंगे, पर बाद में जब वो डेट आने लगे तो शायद आपको एंजाइटी फील होने लगे, तब आपको ये लगे कि आप नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, नर्वसनेस फील होने लगे क्योंकि शायद आपको सबके सामने बात करने में डर लगता है। तो इस चीज के लिए आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग आपका क्या है और इमोशन बेस्ड कोपिंग क्या है। तो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग आपका इस सिचुएशन में ये हो सकता है, इसमें आप किसी को हायर कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा स्पीच बना के दे दे या प्रेजेंटेशन बना के दे दे, या किसी मेंटोर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। वहीं पे इसी चीज को आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। वहीं पे इमोशन बेस्ड कोपिंग जो होगा वो ये होगा कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपको नर्वसनेस फील हो रही है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए शायद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपको आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। उसी के साथ में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ में चेंज कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं, जो कि आपको मदद करेगा स्टेज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी। तो चलिए अभी जानते हैं कि हेल्दी प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग स्किल्स क्या है। तो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग स्किल्स में आप अपने
रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने मेंटोर से बातें कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट दे सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए या फिर उससे डील करने के लिए। उसी के साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्दी फील नहीं कराती है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है, तो आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद भी आपको मदद नहीं मिल रही है तो आप वो सिचुएशन से, वो लोगों से दूर चले जाइए, वॉक अवे कर लीजिए। इसी के साथ में अगर आप अपने काम को प्रोडक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाइए, एक डायरी अपने साथ में हमेशा रखिए। ये आपके बहुत सारे स्ट्रेस को कम कर सकता है और अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्किल्स। अब जानते हैं इमोशन फोकस कोपिंग स्किल्स क्या है। इमोशन फोकस कोपिंग स्किल्स जो है वो वही सारी चीजें हैं जो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को और ज्यादा अच्छा बनाती है आपको हैप्पी फील करने के लिए। तो हो सकता है अगर आपको किसी तरह का आर्ट करना पसंद है, कई सारों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कलर करना अच्छा लगता है, कई सारों को डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है या सुनना अच्छा लगता है। कई सारों को मैंने ये भी देखा है कि उनको घर क्लीन करना अच्छा लगता है क्योंकि वो जैसे ही चीजों को डीक्लटर करते हैं उसी तरह से उनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड भी डीक्लटर होते जा रहा है, मतलब क्लीन होते जा रहा है। कई सारों को हो सकता है गार्डनिंग अच्छी लगती है या फिर शायद कोई और क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, जैसे स्टिचिंग हो गया या फिर DIY बनाना अच्छा लग सकता है। कई सारों को वॉक करने जाने में अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव में जाने में अच्छा लगता है, योगा मेडिटेट या फिर एक्सरसाइज करने में अच्छा लग सकता है। तो जो भी चीज आपको खुशी देती है वो चीज करिए, तो आपको खुद को खुशी मिलेगी और आपका वो जो स्ट्रेसफुल चीज है उससे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। जब हम सारे हेल्दी कोपिंग स्किल्स के बारे में जान रहे हैं तो हमें अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे कि हम टाइमली उसको मैनेज कर सकें, उसको अपने से दूर कर सकें। तो अगर आप अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके लिए आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, ड्रग्स लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगे हैं पहले से, या फिर आप बहुत ज्यादा सोते हैं, हो सकता है इरिटेबिलिटी आपने बहुत ज्यादा आ गई है तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं दूसरों के ऊपर। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करने लगे हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और जो आखिरी है वो ये है कि आप चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। ये लगता है कि हेल्दी एक सिचुएशन है पर ये कई बार अनहेल्दी भी बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए कि आपकी लाइफ अच्छे से बन सके, जैसे कि शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और आप अपने जॉब को छोड़ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस था, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया या बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं पर आप कोई और जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं इसी डर से कि शायद आपको वही सिचुएशन मिलेगा, तो ये अवॉइड करना भी शायद आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि आप अपने लिए कोपिंग स्किल्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है कि आप अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स की तरफ ही जाए जा रहे हैं, इवन इफ आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट तभी भी हो नहीं पा रहा है, तो आप एक प्रोफेशनल को मिल सकते हैं अपने आप को मदद देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।